बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार में एक कनीज़ औरत फ़रोख्त हो रही थी। मोहम्मद बिन हुसैन अल-बगदादी भी उसी बाज़ार में गए हुए थे, तो आपने उस कनीज़ औरत को ख़रीद लिया। लोगों ने कहा पागल सी है, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और घर में ले आए। रात को आधी रात के बाद आँख खुली तो वो लोंडी, वो कनीज़ औरत मसल्ले पर बैठी, आँखों से आंसू बह रहे थे, रो रो के सीना घुट रहा और अल्लाह से कह रही है, ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, हालांकि कहना तो ये चाहिए था कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, लेकिन उसने अल्लाह से हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, मैं उसके वास्ते तुझसे सवाल करती हूँ। मोहम्मद बिन हुसैन अल-बगदादी सुन रहे थे तो उन्होंने टोका, कहा ए लड़की क्या कह रही है तू, यूँ के ए अल्लाह वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है तू? उसने कहा चुप करो, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो आधी रात को मुझे यहाँ ना बिठाता और तुझे वहाँ ना सुलाता। उसको मुझसे मोहब्बत है तो उसने मुझे मेरी नींद से उठा के मसल्ले पर खड़ा कर दिया। फिर कहने लगी ए अल्लाह अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम महबूब हैं। ए अल्लाह अब मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे, अपने पास बुला ले। चीख की आवाज़ आई और जान निकल गई तो फरमाते हैं मुझे बड़ा गम हुआ, मैं उठा उसके कफन का बंदोबस्त करने के लिए। जब मैं कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई सब्ज़ कफन में लिपटी, और उसके ऊपर नूरानी अल्फाज में लिखा हुआ था कि सुन लो अल्लाह के दोस्तों को ना दुनिया में गम है ना आखरत में खौफ है। खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि हाफिज़ुल हदीस हेवा बिन शरी बहुत ही मफलूकुल हाल और तंग दस्त थे और खौफ खुदावंदी से दिन रात रोया करते थे। एक दिन मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो आलम तन्हाई में इंतहाई गिरे औजारी के साथ दुआ मांग रहे हैं। मुझे उनकी गरीबी पर बड़ा तरस आया तो मैंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं आप खुदावंद आलम से दुआ मांगते कि वो आपको इतनी दौलत अता फरमाए कि आपकी तंग दस्ती व फाका मस्ती दूर हो जाए। ये सुनते ही हज़रत हेवा बिन शरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दाएं बाएं मुड़कर देखा और ज़मीन से कुछ कंकरियां बन गईं, और उन्होंने उनको मेरी तरफ फेंक कर फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मसलियतों को खूब जानता है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मैं उन सोने के टुकड़ों को क्या करूँ, तो फरमाया कि तुम उनको अपने अहल वयाल पर खर्च कर डालो। खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का बयान है कि मैं साल और उनके जलाल से इस कदर खायफ हो गया कि मारे डर के उनके फरमान को टाल नहीं सका, और मैं उन सोने के टुकड़ों को साथ लेकर अपने घर चला गया।